सरेआम गैंग हो रहा था, ये गैंग ने रेप किया है। अगर एक आध मारता तो था, अब पांच छह ने मारा तो गैंग हो गया जो हमारे साथ हुआ था। जस्टिस फॉर बांग्लादेश, इंडिया भाई साहब जिन्होंने 297 रन मार दिया भाई T20 में, पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या, मैचेस उठा के देख ले, पाकिस्तान में ODI में नहीं इतनी दफा किया। संजू सैमसन भाई क्या उठा उठा के छक्के मारे जा रहा है, 7 ओवर में वो 100 क्रॉस कर गए हुए थे, 11 ओवर में 180। वो उन्होंने ऐसे किया है कि चल यार फिर बांग्लादेश नाल भी तो मैच खेलना है ना, वो 400 मारांगे वो कहेंगे तो खेलना ही नहीं है। अगर आप ये सोच के सोए ना कि आपके पाकिस्तान क्रिकेट टीम 11 के टीम के नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट 11 के ओपनर रिजवान और बाबर है 50 बॉलों पे 60 स्कोर करने वाले, तो आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी। इंडिया ने 297 का टारगेट दे के बांग्लादेश को तो हिलने भी नहीं दिया भाई, बहुत बड़ा टारगेट दे दिया, इतना बड़ा टारगेट दे दिया। अब तो आपका इंटरव्यू करने नहीं बनता, हर बंदे को वैसे ही पता है कि इंडिया बहुत बड़ी टीम है। बांग्लादेश बुरा नहीं खेला, इंडिया बहुत अच्छा खेल गई है, बांग्लादेश तो पाकिस्तान को हरा देती है और इंडिया ने छप्पड़ फाड़ दी है। संजू सैमसन ने एंड्रॉइड का खात्मा कर दिया। मैं ये हैरान हूँ, मेरा एक दोस्त कमेटी लेके बांग्लादेश की तरफ से मैच देखने गया हुआ था, उसकी कमेटी खा गए वो लोग, उन्हें टिकट लेके बेचारा ग्राउंड में एंटर नहीं हो सका, उसका तुम पाकिस्तानी हो तुम जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई तलक नहीं है इधर। ये बड़ी क्रिकेट हो रही है, बड़ी क्रिकेट हो रही है, मैं बड़ा परेशान हुआ इस बात से। लेकिन जो भी है संजू सैमसन ने बहुत अच्छा खेला है, ऐसा लगा था T10 हो रहा है, T20 हो ही नहीं रहा, इतना बड़ा टारगेट यार ODI में चेंज नहीं होता, इन्होंने T20 में 298 मार दिए। इंडिया ने बताया कि बांग्लादेश एक किस लेवल की टीम है, उसको कैसे खेलना चाहिए, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। इंडिया को आप देख ले, इससे अंदाजा होता है उनकी गेम अवेयरनेस कितनी है, वो कितने सॉलिड प्लेयर है, उनकी मेंटेलिटी कितनी सॉलिड है और उनका जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है कि उनके प्लेयर्स कैसे डेवलप हो गए आते हैं। आप बनिस्बत अगर पाकिस्तान को कंपेयर करें, पाकिस्तान ने सारे जितने प्लेयर्स हैं उनको इनसिक्योरिटीज है, उनको ये मामला था कि उनको टीम से ना निकाल दिया जाए, सीरीज के बाद कप्तानी ना चेंज है, हर कोई डरा हुआ पाकिस्तान में सहमा हुआ, चाहे वो चीफ सेलेक्टर था, वो चाहे वो चेयरमैन को नहीं पता होता। पिछले 4 साल में आपके 4 से 5 चेयरमैन चेंज हुए, नसीम अशरफ के बाद, एहसान मानी के बाद जक्का अशरफ आए, नजम सेठी आए, अब जो रमीज राजा साहब आए और उसके बाद आप चौथे ये मोहसिन नकवी साहब आए हुए हैं। इससे आपकी क्रिकेट की बदहाली का अंदाजा हो सकता है और इंडिया जो एक स्टेबल है, जो हर चीज़ में स्टेबल है, आप उनकी इकॉनमी देख ले, आप उनकी क्रिकेट देख ले, आप उनकी इंडस्ट्री देख ले, हर जगह इंडिया ग्रो इसलिए कर रहा है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी है, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे क्रिकेट में हो, हर जगह उनकी स्टेबिलिटी है। अपने मुल्क के साथ लॉयल है, अपनी क्रिकेट के साथ लॉयल है, अपनी परफॉर्मेंस के साथ लॉयल है, उनको इंडिया पैसा ही इतना दे देता है यार जो पैसा गए हो अब क्रिकेट खेलो जाओ। साडे पाकिस्तानी ODI ड्रोन से लॉयल है, V8 से लॉयल है, LC300 से लॉयल है, लेक्सस से लॉयल है, प्राडो से लॉयल है, फॉर्च्यूनर से लॉयल है। जस्टिस फॉर बांग्लादेश। लेकिन अभी पाकिस्तान का एक तरफ देखें हालात और दूसरी तरफ इंडिया को देखें, पाकिस्तान को हरा के गई है बांग्लादेश और उधर से जाके भाई साहब उन्होंने लाल किए इंडियन उनकी, ठीक है। और अब हमारी पाकिस्तानी टीम की पहले तो मैं थोड़ी तारीफ कर लूं कि यार हमारे इधर टेस्ट में नहीं हो रहा 300 स्कोर, ठीक है 500 साढ़े 500 मार के पहली इनिंग में फिर भी हार गए, ठीक है 800 साढ़े 800 स्कोर खाया और रिकॉर्ड ही बनवा दिया भाई साहब, ये मतलब 20वीं 21वीं सदी का ये रिकॉर्ड है, ठीक है। अपने ऊपर रिकॉर्ड बनवा रहे हैं इंडिया, लोगों पे रिकॉर्ड। और अभी दूसरी तरफ इंडिया भाई साहब जिन्होंने 297 रन मार दिया भाई T20 में, पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या, मैचेस उठा के देख ले, पाकिस्तान में ODI में नहीं इतनी दफा किया, मतलब 300 रन नहीं किया जो इन्होंने भाई साहब T20 में कर दिया है। उधर भाई साहब संजू सैमसन भाई क्या उठा उठा के छक्के मारे जा रहा है यार, जो जस्टिस आज मिला है ना, जो संजू सैमसन ने जस्टिस दिया है बांग्लादेश को, ऐसा जस्टिस मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वो क्या 5 छक्के खड़े होके पांव भी नहीं निकाल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ले दे छक्का, मिड ऑन मिड ऑफ मिडल विकेट लेग, ओ भाई कुछ नहीं छोड़ रहा है, हार्दिक आ रहा है, हार्दिक अपना सारा गुस्सा इन पे उतार रहा है। फिर आ रहे हैं पराग साहब कहते हैं जी मैं क्यों पीछे रह जाऊं, फिर आते हैं रिंकू साहब वो कहते हैं 2-4 गेंदा मिली है ना मैं किवें रह जावां, लो जी ये तो कार कर रहे हैं, मतलब कोई बंदा माफी नहीं दे रहा, कोई अपोलोजी का कंसेप्ट ही नहीं है भाई। सर मैं कह रहा हूँ ये क्रिकेट नहीं चल रही थी, ये सिर्फ प्रैक्टिस मैच चल रहा था यार, ये रेप चल रहा था, रेप हो रहा था, ये सरेआम गैंग रेप हो रहा था, ये गैंग ने रेप किया, अगर एक आध मारता तो रेप था, अब पांच छह ने मारा तो गैंग हो गया जो हमारे साथ हुआ था। सर देखिए पाकिस्तान ने कभी ODI में शायद 300 स्कोर नहीं किया होगा, इंडिया T20 में करने जा रहा था, ओ इंडिया 400 करने जा रहा था, आपका दिमाग ठीक है सर? ओ भाई 7 ओवर में वो 100 क्रॉस कर गए हुए थे, 11 ओवर में 180। वो उन्होंने ऐसे किया है कि चल यार फिर बांग्लादेश नाल भी तो मैच खेलना है ना, वो 400 मारांगे वो कहेंगे तो खेलना ही नहीं है। ICC अपील करेंगे भाई हमने दोबारा, बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि जी आप बड़े प्लेयर लेके आए थे, आप बड़े प्लेयर लेके आए थे, बड़े भरा ले आए, बड़े भरा ले आओ, छोटे भरा ना खिड़ाओ यार। रोहित शर्मा तो सर पे हाथ रख के लेटा होगा, बोल रहा है भाई मेरे बच्चे होगा, मुझे मिस नहीं करवाया आप लोगों ने, कोहली कह रहा होगा मुझे मिस नहीं करवाया और हमने किया भी नहीं, बिल्कुल नहीं किया यार, और वो खुश है कि नहीं किया भाई। उनके यंगस्टर यार मतलब इतने पॉलिश हो के वो डोमेस्टिक से आते हैं, वो अंडर 16 19 फिर ए क्लास फिर बी टीम फिर सी टीम फिर IPL,
ओ भाई वो जितनी आपका इंटरनेशनल खिलाड़ी खेलता है इससे पहले तो वो डोमेस्टिक में खेल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मारते हैं यार। देखो टीम इंडिया मॉडर्न क्रिकेट खेलता हुआ नजर आ रहा है, कोई टीम सोच भी नहीं। आईपीएल के अंदर रिकॉर्ड है 284 का। हाँ। वो भी रिकॉर्ड टूट गया आज तो भाई सारे रिकॉर्ड, और इंडिया का रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है तो वो इंडिया है, इसके अलावा कोई नहीं। ना ओ भाई वो मारते नहीं है, वो रगड़ते हैं, वो छीलते हैं, छील छूल के फिर जो है ना सब छील छूल जाएगा। और भाई साहब वाइब्स आ रही थी टेप बॉल वाली, तमूर मिर्जा को देखा पाकिस्तानी प्लेयर है, वो टेप बॉल में पांच पांच छक्के मार रहा है, और ये बंदा भाई साहब लेदर बॉल में पांच पांच छक्के मार रहा है, क्या स्ट्रेट सिक्स मार रहा है, क्या बैकफुट पंच मार रहा है भाई। ऐसी आज उस बंदे ने शॉटें मारी है, हाँ 11 चौके 8 छक्के भाई साहब, क्या मजा करवा दिया। और ऊपर से सूर्य कुमार यादव भाई साहब, स्काई साहब आते ही भाई साहब वो भी शुरू हो गए हैं, ठीक है। और ऊपर से हार्दिक पांड्या भाई, किस किस को रोकोगे भाई, इनकी पूरी टीम है भाई साहब तापड़ तोड़ जो बल्लेबाजी है ना वो करती है। हम लोग पहले हम लोग कहते थे कि जी रोहित शर्मा पाकिस्तान के सर की दर्द बनेगा, फिर कहते थे जी विराट कोहली बनेगा, शेखर धवन बनेगा, लो जी अब जो दौर आ गया ये मुझे लग रहा है ये संजू सैमसन और स्काई ये बुरा हाल करने वाले भाई पाकिस्तान का, पूरी टीम ही सर दर्द बन गई है यार, पूरी टीम ही सर दर्द बन। जी बिल्कुल भाई, और बाकी भाई अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई पाकिस्तान के साथ इंडिया वालों की बनती नहीं है। एज अ क्रिकेट फैन देखें और बाउंड्रीज को हटा के देखें तो भाई साहब हमें खुशी हुई है कि यार इंडिया ने इतना अच्छा रन किया, कम से कम मतलब दुनिया में नाम तो हुआ ना एशिया का ना भी, मतलब कोई एशियन टीम है जो अपने एशिया का नाम रोशन कर रही है, नहीं तो देख लें कि एशियन टीमों का कोई हालात ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि एशिया के अंदर एक वाहिद इंडिया टीम है जो कि सीना कंट्रीज को टक्कर दे सकती है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और आपने वो ये वर्ल्ड कप के जो हवाले से देखा होगा चैंपियन ट्रॉफी में, वो भाई साहब वो नंबर वन पे इंडिया के परसेंटेज है चांसेस के भाई फाइनल में जाने के, बताए ना, ना कोई ऑस्ट्रेलिया करीब करीब, ना कोई इंग्लैंड है, ना कोई पाकिस्तान के तो चांसेस है ही नहीं भाई साहब फाइनल में जाने के। हाँ बाकी तो आज की परफॉर्मेंस को लेके क्या कहेंगे, क्या इंडिया मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है, T20 के अंदर सिर्फ 3 स्कोर पीछे रह गया था, वरना 300 स्कोर लग जाना था, हिस्ट्री बन जानी थी। हाँ। हिस्ट्री तो अभी भी बना गए, हिस्ट्री तो भाई बन गई ना, अभी मुझे आप बताइएगा जब ये रिकॉर्ड जल्दी टूट जाए, अगर ये तोड़ेगा तो फिर वो एक ही तोड़ सकता है वो भी इंडिया है, बस भारत तो तोड़ेगा ये रिकॉर्ड, बाकी और किसी टीम के बस की भाई ये बात है ही नहीं। हमारे क्रिकेट नहीं खेलते हम लोग, देखो पाकिस्तान के लिए जान भी देने को तैयार है, अगर खुदा ना खासा कोई जंग होती है हम सबसे आगे होंगे, लेकिन टीम को हम ऐसे सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आगे से हमें दुख मिलता है, सर पता लगता है ऐसी टीवी तोड़ देता घर का, उससे पता नहीं की हो जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कह रहा है, मैं उसे टीम कभी भी नहीं कहूंगा, वो एक 11 है, सब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देते हैं, सबका ध्यान होता है अपनी परफॉर्मेंस पे, वो टीम नहीं है। पाकिस्तान को पाकिस्तान क्रिकेट 11 कहा करे, पूरा ICC को मैं दरख्वास्त करूंगा इनका नाम चेंज करें, इसको टीम ना कहे, टीम बिल्कुल नहीं है। टीम आप देखते थे 96 में, 99 में, 92 में, 87 में, 2007 में, तब आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम नजर आती थी, अब ये इंडिविजुअल है, इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स हो गई है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि शहीन भी कैप्टन है, रिजवान भी कैप्टन है, फखर भी कैप्टन है, सऊद शकील भी कैप्टन है, डोमेस्टिक आपने करवाया, आपने सबको कैप्टन बना दिया, आपको नए चेहरे कैप्टन बनाने चाहिए थे जिनको आप ग्रूम करते हैं, आपने सारे टीम के बंदों को कैप्टन बना दिया, सऊद शकील का कैप्टन बनना या उसका जो फखर को नहीं बनाया उसको शादाब को कैप्टन बनाया, जिसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, जो फुलटॉस देता है आपने उसको कैप्टन बना दिया, वो टूर्नामेंट भी जीत गया। आप अपने डोमेस्टिक का लेवल देख ले और उनका IPL का लेवल देख ले। सर IPL के अंदर भी शायद आपने IPL की बात की, IPL के अंदर सबसे बड़ा टारगेट 284 है, जिसे हम कहते हैं फटा विकटें बनती हैं। अभी टीम इंडिया के जो जूनियर यंगस्टर्स हैं ना, विराट, रोहित, बुमराह, कुलदीप यादव, कोई भी बड़ा बैट्समैन बोलते इनके पास मौजूद नहीं था, डोमेस्टिक से आगे यार फाड़ के चले गया बांग्लादेश की वो टीम जो पाकिस्तान को वर्ल्ड वॉर कर। आप ये सोच के सोए ना कि आपके पाकिस्तान क्रिकेट टीम 11 के, टीम के नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट 11 के ओपनर रिजवान और बाबर है 50 बॉलों पे 60 स्कोर करने वाले, तो आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी।